तमाम आलोचना के बावजूद हिमेश रेशमिया हीरो बनने की जिद पर अड़े हुए हैं। उनकी ताजा फिल्म तेरा सुरूर का नाम उन्होंने अपने ही हिट गीत के मुखड़े पर रखा है। कहने को तो फिल्म एक थ्रिलर है, लेकिन फिल्म में रोमांच जैसी कोई बात नहीं है। 106 मिनट की फिल्म भी आपको लंबी लग सकती है। रघु से उसकी गर्लफ्रेंड तारा रूट कर डबलिन चली जाती है। वहां तारा के साथ साजिश होती है। ड्रग्स रखने के आरोप में पुलिस उसे गिरफ्तार कर 7 साल के लिए जेल में डाल देती है। रघु डबलिन पहुंचता है जहां उसका मिशन है तारा को जेल से भगाकर ले जाना और उस इंसान को खोजना जिसने तारा को फंसाया है। इस मिशन में उसकी मदद ए खान, राजवीर कौल और रॉबिन सेंटिनो करते हैं। अनिरुद्ध ब्राह्मण को ढूंढ कर मैं तारा को बचा कर ही रहूंगा। फिल्म की कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का प्रस्तुतिकरण रोमांच पैदा नहीं कर पाता क्योंकि स्क्रीन प्ले दोषपूर्ण है। शुरुआती 15 मिनट में निर्देशक ने कैरेक्टर को जमने भी नहीं दिया और फिल्म को इतनी तेजी से भगाया है कि सब कुछ नकली प्रतीत होता है। तारा से जुदाई का दर्द रघु के लिए असहनीय है, लेकिन उसका 1% दर्द भी दर्शक महसूस नहीं करते, जबकि इस जुदाई को लेकर निर्देशक ने कई सीन और गाने रचे हैं। तारा को जेल से भगाने के लिए रघु रॉबिन की मदद लेता है जो कई जेल तोड़कर भाग चुका है। रॉबिन उसकी मदद के लिए क्यों तैयार हो जाता है समझ से परे है। फिल्म के लेखक और निर्देशक ने डबलिन को न जाने क्या समझ लिया है। फिल्म का नायक खुलेआम हत्याएं करता है। तारा को फंसाने वाला कौन है, जब इस रहस्य पर से पर्दा उठता है तो निराशा ही हाथ लगती है। देशभक्ति के नाम पर भी एक दो सीन है जो कहानी में बिल्कुल फिट नहीं होते। अश्कों में है यादें तेरी। निर्देशक शॉन अराना ने फिल्म को कूल और स्लिक लुक दिया है। बतौर अभिनेता हिमेश कितने कमजोर हैं, इस बात से वे अच्छी तरह परिचित हैं। लिहाजा उन्होंने हिमेश को बहुत कम संवाद दिए हैं। ज्यादातर दृश्यों में उन्होंने हिमेश को मॉडल नुमा पोज देते हुए दिखाया है। स्क्रिप्ट और लीड कलाकार का साथ उन्हें नहीं मिला, वरना फिल्म में थोड़ी गहराई आ जाती। वफा या बेवफाई। हिमेश रेशमिया फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए हैं। लटका हुआ चेहरा लेकर वे पूरी फिल्म में घूमते रहे हैं। संवाद अदायगी भी उनकी कमजोर है। फिल्म की हीरोइन फराह करीमी ने कमजोर अभिनय के मामले में हिमेश को कड़ी टक्कर दी है। नसीरुद्दीन शाह, कबीर बेदी और शेखर कपूर ने इतने छोटे और महत्वहीन रोल क्यों किए हैं समझ के परे है। हर इंसान ने कभी न कभी किसी न किसी से प्यार किया है, उसी प्यार के नाम जिंदगी कुर्बान। फिल्म का संगीत अच्छा है और कुछ गाने हिट भी हुए हैं। सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतरीन है। कुल मिलाकर तेरा सुरूर का सुरूर नहीं चढ़ता। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।